खबर 24 लाइव न्यूज। शहर कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास अवैध तमंचा, एक स्विफ्ट डिजायर कार, बोलेरो कार व बोलेरो पिकअप बरामद। बता दें, मामला आजमगढ़ में 26 फरवरी देर रात को शहर कोतवाली अंतर्गत बैठौली पुलिया के पास अंतर जनपदीय लुटेरों ने मुर्गा से लदी पिकअप लूट लिया था। मिली सूचना के बाद पुलिस लुटेरों को धर पकड़ में लग गई थी। आज पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी 4 अभियुक्त पुलिस गिरफ्त से फरार हैं। बता दें, पुलिस ने सूफियान जावेद खान, अब्दुल्ला रहमान जावेद को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ अजहद, सोनू, यहीना खान, शेरू खान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। लुटेरों के पास एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस व 1 बोलेरो पिकअप व 1 स्विफ्ट डिजायर कार व लूट के मुर्गा बिक्री के 28,000 व 1 बोलेरो कार भी बरामद हुए हैं। लुटेरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जेल भेज दिया गया है। दिखाते हैं यह रिपोर्ट। बता के अबू की है, इसी से लूट की थी। वो सर है अंदर, अंदर है लूट करने वाले? नहीं सर, वो मतलब है कहाँ अंदर है? लॉकअप में है। अच्छा, और तुम का एक प्रकरण आया है, क्या मामला है पूरा? ये 26/27 की रात्रि में मुर्गे से भरी हुई पिकअप लूट ली गई थी और ये इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज इसका अनावरण हुआ है और 4 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। इसमें जो पिकअप लूटी थी वो बरामद हुई है। जो जिस 2 गाड़ियों से बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर जिनसे लूट की गई थी वो बरामद हुई है और इनके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं और मुर्गी जो बेचने से जो पैसा मिला था वो 28,000 रुपये से ऊपर इनके पास से बरामद हुआ है। इस तरह से थाना कोतवाली की एक बड़ी सफलता, एक अननोन केस को जो कि बहुत ही सेंसेशनल केस था उसे वर्कआउट हुआ है। इनके 4 जो अभियुक्त हैं वो भागने में सफल हैं, जिनकी तलाश हेतु दबिश डाली जा रही है और ये सभी के सभी अभियुक्त थाना जौनपुर, जिला जौनपुर के रहने वाले हैं और यहाँ का इस तरह की वारदातें किया करते थे। इनके द्वारा बताया गया कि और भी वारदातें की गई हैं जिनके संबंध में अभी छानबीन की जा रही है और उसमें फिर जो जांच है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। सर, जैसा कि इस पूरे मामले में 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होती पुलिस विभाग के कर्मचारियों के ऊपर, और उसमें सूफियान की क्या भूमिका है सर? देखिए, ये पूरा का पूरा एक गैंग है और ये गैंग लूटता है, लूटने के बाद उसे बेचता है और उसके बाद फरार हो जाता है। ये एक ही तरह का धंधा नहीं करते, ये मुर्गियों का लूट का भी धंधा करते हैं। इसके अलावा ये जो गौवंश है उनको ले जाने का और उन्हें कटवाने का भी काम करते हैं। तो इस तरह का ये जो काम इन्हें मिल जाता है उस तरह का ये काम कर लेते हैं और हमारे इन्होंने मुर्गी लूट का काम किया था उसी पर इन पर कार्रवाई की गई। सर, और भी मुकदमे हैं क्या? हाँ, अभी इनके द्वारा घटनाएँ बताई गई हैं, दूसरे जनपदों की हैं जिनके बारे में पता किया जा रहा है और उसे बाद में अवगत कराया जाए। ठीक।